जहाँ से हमारी आमेर की यात्रा खत्म हुई थी, यहीं से स्टार्ट होती है हमारी जयगढ़ फोर्ट की यात्रा। दिस इज अगेन ऑल्सो वन ऑफ द मेजेस्टिक पैलेसेस बिल्ड बाई द किंग्स एंड क्वींस ऑफ रॉयल राजस्थान। और यहाँ का जाने का रास्ता बहुत आसान है। आप देख रहे हो जहाँ पे ये एलिफेंट राइड्स, वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे आमेर की तरफ एंटर कर रही है। ठीक इसके ऑपोजिट में अगर हम चलते जाएं, ये जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज़ द वे टू द जयगढ़ फोर्ट, और जिसको आमेर वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे आक्रमण के टाइम में टनल के थ्रू फ्रॉम इनसाइड द पैलेस द किंग्स एंड क्वींस यूज टू फ्लाई फ्रॉम दिस आमेर टू जयगढ़ फोर्ट। 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेट्स गेट गोइंग। अभी तो हम फिर भी आमेर में हैं, बट ये रास्ता हमें ले चलेगा जयगढ़ फोर्ट की तरफ। अगर जयगढ़ जाना है ऑटो मत लो, अगर आप में चलने की ताकत है, आई वुड रादर आस्क एवरीवन टू वॉक फ्रॉम आमेर टू जयगढ़। रास्ते में यू कैन एक्चुअली सी दिस ह्यूज पैलेस वॉल्स। अगर जयपुर आए हो, यू गॉट टू सी देम एज क्लोज एज पॉसिबल। हम ज़्यादा चले भी नहीं थे। दिस इज़ द एंट्रेंस टू द जयगढ़ फोर्ट एंड हियर दिस इज़ द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द जयगढ़ फोर्ट। वैसे जयगढ़ फोर्ट की ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी आमेर में राजा रानी अपने सारे सेवक के साथ रहते थे और उन पर अगर कभी हमला हो गया तो वो एकदम ऊपर में बने हुए जयगढ़ फोर्ट में चल जाते थे अपने सारे सिपाहियों के साथ। तो जयगढ़ फोर्ट चढ़ते टाइम ये छोटा सा हाइडिंग प्लेस फॉर सोल्जर्स, जहाँ पर आक्रमण के टाइम में सोल्जर्स छुप जाया करते थे, एंड फ्रॉम दिस प्लेस वी कैन एक्चुअली सी डाउन देयर द आमेर फोर्ट, जहाँ से हम पिछले वीडियो में घूम कर आए हैं। वो पूरा 12 किलोमीटर प्रोटेक्टिव वॉल जो कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। नॉट ओनली दैट, वो जो दूर शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, वहाँ दूर जो छोटे 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 मकान दिख रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली द जयपुर सिटी। तो यह एंट्री गेट टू द आमेर फोर्ट, इसका नाम है अवनी दरवाज़ा। लेट्स गेट इनसाइड। जयगढ़ के किले में, ये किला सबसे ज़्यादा पॉपुलर तब हुआ था जब इंदिरा गांधी थी हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर। कहा जाता है इस किले में कंछावा डायनेस्टी ने भारी मात्रा में अपने सोने जवाहरात एक सेंटर टैंक में, वाटर टैंक के अंदर छुपा के रखा था। ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा एक्सपेडिशन करवाया था, और उसके बाद कहा जाता है, दो इसकी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलते, बट कहा जाता है कि ट्रकों में भर भर के खजाना निकला था उस वाटर टैंक से, और ट्रकों में भर भर के उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में जोड़ दिया गया था। दैट इज़ द टाइम व्हेन दिस फोर्ट एक्चुअली गेन्ड इट्स रियल पॉपुलैरिटी। बट अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फिल्म या सीरियल की शूटिंग हो रही है, वो टैंक भी दिखाएंगे, पहले सीरियल देख लेते हैं। आई एम एक्चुअली वॉकिंग ऑन द रूफ ऑफ दिस एंटायर स्ट्रक्चर यूज्ड टू बी द हाइडिंग प्लेस of millions and millions tons of jewelry. नहीं पता क्या क्या records में नहीं मिलेंगे government के, because this was a hidden expedition जो कि emergency के दौरान undertake किया गया था, and this is actually what was actually broken later on, it was actually rebuilt by the locals. This is the place which was actually broken, and this entire place was filled with treasury.
नहीं पता कितने मिलियन टन खजाने यहाँ पे लोग बोलते हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं। उसकी शूटिंग हो रही है, एंट्री की परमिशन है नहीं, यहाँ तक कि जो पुलिसमैन वहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं उनको भी शूटिंग देखने की परमिशन है नहीं। बट यहाँ थोड़े मोड़े एक्टर्स इधर उधर चलते उलते दिख जाते हैं, सो वहीं से पता चला। अभी चलो जयबान देखते हैं। तो ये है जिसकी वजह से हम जयगढ़ किले में आए हैं। दिस इज द जयबान। ऐसे में तो देखने में शायद छोटा लगे बट अब आपको पता चलेगा हाउ ह्यूज दिस जयबान इज। एक पहिया शायद मेरे से डबल ऊंचा है। इस जयबान की ये खासियत है कि इसका जो एक गोला होता था वो था 50 किलो का, दुनिया का सबसे बड़ा तोप, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैनन है ये। ये ज़िंदगी में सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में एक बार ये चला है और जहाँ ये गिरा था वो 50 किलो का कैनन, वहाँ कहते हैं आज वहाँ पे तालाब बन चुकी है। इसमें 100 केजीज ऑफ गन पाउडर भरा जाता था और फिर शूट होता था 50 केजीज का वन कैनन का। One thing that is very strange about this Jaiban is, though it is meant to be very ferocious, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तोप, but still, if you look very closely, आपको दिखेगा इस Jaiban के ऊपर वहाँ जहाँ आप देख रहे हो दो छोटे छोटे पक्षी बनाए गए हैं, और अगर आप पीछे चलोगे तो वहाँ पे एक हाथी का डिज़ाइन कार्व करके बनाया गया है। सो दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। वहाँ पर यू कैन एक्चुअली सी एन एलिफेंट, स्मॉल एलिफेंट क्रेव्ड ऑन इट। सो दिस इज एक्चुअली अमेजिंग कि दुनिया का इतना फेरोशियस वेपन और उसके ऊपर ये छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स गढ़े गए हैं। सो अभी हम हैं जयगढ़ फोर्ट के छत पर, एंड फ्रॉम हियर दिस इज द व्यू दैट यू गेट। सो ये है वो तोपखाना जहाँ पे जयबान भी बना था, और अगर आप ये टनल देख रहे हो यहाँ पर, दिस यूज टू बी द मेटलर्जी सेंटर ड्यूरिंग दैट रेन। यहाँ पे वो गरम लोहे पिघलाकर ये ह्यूज कैनन ये सारे बनाए जाते थे। तोपखाने के अंदर ही जयबान की तरह हमें एक दूसरा ह्यूज कैनन मिला, इसका नाम है बजरंग बाण। लुक एट द साइज, दिस इज ऑल्सो ह्यूज। एज आई सेड, दिस यूज टू बी द वॉर पैलेस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरी रॉयल्टी तो देखने को नहीं मिलेगी। दिस एक्चुअली यूज टू बी द एकोमोडेशन फॉर द सोल्जर्स। तो बेसिकली यहाँ पे वॉर से रिलेटेड सारे दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी। एक और चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है दीज स्मॉल झरोखा कहते हैं यहाँ पर, या फिर दी स्मॉल विंडोज जहाँ से सैनिक नज़र रखते थे उस आमेर फोर्ट की तरफ जो हमें वहाँ दिख रहा है, और उसके आगे पूरा का पूरा जयपुर सिटी और ये पूरा का पूरा पहाड़। जिस रास्ते से हम चढ़ गए हैं वो रास्ता वहाँ नीचे है ऐसे। सो ये उस ज़माने का कूलर, लुक्स अमेजिंग। डिज़ाइन तो लगभग सेम है, मॉडर्न कूलर से मिलता जुलता है, बट इज़ गुड।
this used to be the setting place, and again another cooler and some more drums. So this is the sitting place for the Raja, and that used to be the sitting place for one of the queens, and that is for the other. And यहाँ पर राजा जी बैठा करते थे. So this is the hidden chamber. यहाँ से हम जा रहे भोजनालय की तरफ. मुझे बोला गया ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना. So let me show you the भोजनालय. This actually is the भोजनालय जहाँ पे छोटे छोटे रेप्लिका बनाए गए हैं. थालियाँ परोसी गई हैं, इफ यू कैन सी. और उसी के बगल में ये वो जगह जहाँ पे लोग खाना बना रहे हैं. और पता नहीं सारे इतने चुप क्यों हैं. सो दिस इज द खिलवती निवास और ऑल्सो कॉल्ड लक्ष्मी निवास. ये वो सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स जो सीक्रेट मीटिंग्स होती थी राजा की अपने मंत्रियों के साथ. दिस इज़ द सीक्रेट चेंबर और द सीक्रेट प्लेस इन द पैलेस जहाँ पर वो सारे सीक्रेट योजनाएँ बनाई जाती थी. और खिलवती निवास से होते हुए हम एक और सीक्रेट चेंबर या एक सीक्रेट कोर्टयार्ड में घुस रहे हैं. देर इज़ नो नेम फॉर दिस प्लेस. ओके, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द ललित मंदिर और द लक्ष्मी विलास. Another secret courtyard. One of the attractions of this Jaigarh fort is also this armory plus a temple. Temple इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे सैनिक शस्त्रों की पूजा करते थे, तो अंदर एक temple भी है. और actually is the armory which is now been turned into a museum. Let's find out. So these are the head and chest shields worn by the soldiers. Huge trumpets blown before the wars. The guns. Wow. And this used to be the carrier for the cannons. Some more cannons and chest shields. Cannon ka naam hai banjari. Iska naam hai cannon ranchandi. And this is cannon Chirjam. This is the cannon Bhairavi, and these are the weapons that were actually used during the war at those times. So this is a replica how the cannons used to be carried. So this is the entire wheel jiske upar ek choti si cannon rakhi hui hai. Think Jaivan ko jab carry kiya jata hoga कितने सोल्जर्स लगते होंगे. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर जर्नी टू द जयगढ़ फोर्ट. इस जर्नी के एंड में यही कहूँगा कि यूट्यूब में देखने से शायद बहुत अच्छा लगे, बहुत सुंदर लगे, बट अगर रियल खूबसूरती आप इस एंशिएंट ग्लोरी की लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, परखना चाहते हो, तो फिर एक बार ज़िंदगी में ज़रूर विज़िट करो. इट ऑल्सो बूस्ट्स आवर टूरिज़्म डिपार्टमेंट. लेकिन जो लोग बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो नहीं जा सकते, आई होप मेरी आंखों से ये ट्रैक देख के, ये ट्रिप देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा. टिल नेक्स्ट वीडियो देयर इज़ ओनली वन मैसेज. स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग. चीयर्स.